And start. Sorry, Mr. Do. 27 जनवरी की रात 8-9 बजे सेठ धर्मपाल के यहाँ जाकर इन्होंने देखा कि वो एक अपनी कुर्सी पर बैठकर विस्की पी रहे थे। सेठ धर्मपाल के पास जाकर इन्होंने अपनी माँ के दिए हुए जेवरात और पैसे मांगे जो उनके सेफ में अमानत के तौर पर रखे हुए थे। हैं जी, सेठ धर्मपाल अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़े हुए और इनसे कहते हैं, अरे बेटी, रात का वक्त बिल्कुल ठीक रहता है काला धन ले जाने के लिए, है बेटी। और इतना कहते हुए वो अपने सेफ की ओर बढ़े, सेफ खोला, उसमें से पैसे जेवरात वगैरह निकाले, एक ब्रीफकेस में रखे और वो ब्रीफकेस इन्हें देते हुए बोले, ये ले बेटी, तेरी अमानत। और फिर उसी सेफ में से एक रिवॉल्वर निकाल और वो रिवॉल्वर इन्हें देते हुए बोले, अरे बेटी, ये रिवॉल्वर तेरी माँ के नाम की है, बेटी इसे भी रख ले, काम आएगी। काम आएगी। एक हाथ में रिवॉल्वर, दूसरे हाथ में ब्रीफकेस और सेफ में रखे हुए अनगिनत रुपए। आहा, वाह, क्या बात है। ये सारी चीजें देखकर कृष्णा जी की नियत डोल गई। इन्होंने रिवॉल्वर की नोक पर सेठ धर्मपाल से पैसे हथियाने की कोशिश की। चुप रहिए। पैसे हथियाने की कोशिश की। जब सेठ धर्मपाल ने इनकार कर दिया तो इन्होंने धाए 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 3 गोलियां मार दी और सेठ धर्मपाल मौके पर ही मर गए। मिलोर्ड, मैं एक वकील हूं और सच्चाई अदालत तक पहुंचाना मेरा पेशा है। अगर इस तरह हर मुजरिम अपना जुर्म कबूल करने लग गया तो फिर इस अदालत, वकील, जज और सबूतों की जरूरत ही क्या। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्जिम कृष्णा को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इतनी कि हर बदनीयत रखने वाले इंसान की आत्मा का उठे। मिलोर्ड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।